नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। नगर निगम पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम चला रहा है, लेकिन इस मुहिम को मुंह चढ़ाती हुई तस्वीर सामने आई है नगर निगम परिसर से लगे हुए उद्यानिकी विभाग से, जहां उद्यान विभाग के करोड़ों रुपयों की कीमती जमीन पर नगर निगम अतिक्रमण कर रहा है। इतना ही नहीं, नगर निगम का परिसर का गेट भी उद्यान विभाग की तरफ कर दिया गया है। लाखों रुपयों के कीमती लगे पौधों को अब बाउंड्री बनाकर अंदर कर दिया गया है। वहीं अब उद्यान विभाग के कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ पैर मारते हुए अपनी जमीन बचाने की गुहार लगा रहे हैं। अधिकारियों ने जिले से लेकर भोपाल तक पत्र लिखा है, लेकिन नगर निगम और कलेक्टर के अड़ियल रवैये के चलते उद्यान विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसके चलते अब उद्यान विभाग को जहां अपनी जमीन बचाने की चिंता है, तो वहीं ये भी चिंता है कि लाखों रुपए के लगे कीमती पेड़ पौधे नष्ट कर दिए जाएंगे। अब यह कोई राजनीतिक साजिश है या फिर प्रशासनिक स्तर पर सरकारी जमीन को सरकारी कार्यालय के द्वारा ही अतिक्रमण कर कोई चाल चली जा रही है। वहीं इस मामले में उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा नगर निगम कमिश्नर से मांग की गई कि एक पत्र लिखकर उनके वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया जाए और उक्त भूमि को अधिग्रहित की जाए, लेकिन नगर निगम के अधिकारी किसी भी तरह से सुनने के लिए तैयार नहीं है और गुंडई के दम पर उद्यान विभाग की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं अतिक्रमण और सुनाते हैं उद्यान विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है। हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष को लिखा कि हमको इतनी जमीन की आवश्यकता, ये प्रयोजन है, NOC ले लो। पत्थर वाली बाउंड्री थी अपने आधा एकड़ से ऊपर जो है, तो जो कि गुड़ाई निराई तक जो है ये पूरा बनवान सब इसका तक नगर निगम आयुक्त से कहाँ कहाँ चिट्ठी तो वो है, हम अब इसे मिले गए रहे, हम कहें साहब एक पत्र इतनी भूमि की आवश्यकता है, तो हमको कह सकते हो आप कलेक्टर से बात करो। चलो, ये कृषि विभाग की जमीन पर ये बाउंड्री बनाई जा रही है, ये किसके द्वारा बनवाई जा रही है और ये नगर निगम आयुक्त द्वारा कैसे आपकी जमीन को पेड़ पौधे लगे हैं बाउंड्री के अंदर किया जा रहा है, तो क्या आप लोगों ने विरोध नहीं किया है, कोई शिकायत? हम विभागीय पत्राचार किया गया है, व्यक्तिगत रूप से नगर निगम आयुक्त महोदय से मिला भी था, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और मैंने कहा कि हमारे विभागाध्यक्ष से NOC प्राप्त कर ली जाए, तो उन्होंने हमें बोला आप कलेक्टर साहब से बात करिए, मैं कुछ नहीं जानता। कितनी ज़मीन आपकी है जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं? 1200 वर्ग फीट के लगभग है। पौधे भी लगे हुए हैं? हाँ। कुल मिलाकर नगर निगम अतिक्रमण हटाता है, यहाँ आपकी जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है। विभाग को कोई पत्र दिया, न कोई आवंटन लेटर दिया, कुछ नहीं दिया, जबरदस्ती निर्माण कार्य प्रारंभ। तो आप अपने मुख्यालय वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया सर? जी हाँ, संचालनालय आयुक्त उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल को पत्राचार किया जा चुका है रिकॉर्ड लगा करके कि ऐसी स्थिति यहाँ निर्मित है, अभी वहाँ से भी कोई जवाब नहीं है। नगर निगम अपनी बाउंड्री का गेट भी आपकी तरफ कर लिया, क्या लगता है कि आगे भी अतिक्रमण करके और या सड़क बनाकर असुरक्षा आपको विभाग के लिए कुछ पौधे लगे होते? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये पूरा कब्जा करने के फिराक में है नगर निगम, और यह 18 हेक्टेयर जमीन हमारे राजस्व रिकॉर्ड में खसरे में अंकित है कोठी उद्यान के लिए, लेकिन वो भी रकबा नहीं बचा, ऐसे धीरे धीरे नगर निगम अतिक्रमण करके और जमीन हथिया रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर।
कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट, आशीर्वाद प्लाजा, ढेकहा, रीवा।